हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इनमें से आप हैं दोस्तों, तो इमीडिएटली आपको दुबई से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है या तो बड़ा फाइन मार सकती है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, जो भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट यही है दोस्तों कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा पे, या फिर जिसका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है वो भी यहाँ पे होल्ड पे रह जाते हैं। मतलब या तो फिर जैसे बोलते हैं खली बल्ली में, बहुत सारा आप सुना होगा, अगर यूएई दुबई में आप रहते हैं तो उनको पता है कि लोग बोलते हैं खली बल्ली में यहाँ पे रह गया। तो दोस्तों, गवर्नमेंट एक सिस्टम ऐसा लाने वाली है और ऑलरेडी दोस्तों थोड़ा थोड़ा अपडेट करना स्टार्ट कर दी है कि एक ऐसा सिस्टम और सारे लोगों का डिटेल गवर्नमेंट रखेगी कि दुबई के अंदर कितने लोग एंट्री किए हैं और जितने भी एंट्री किए हैं कब तक आपका वीज़ा था, उस डेट में क्या आप यूएई से बाहर हुए हैं कि नहीं, या वीज़ा अपना रिन्यूअल कराए हैं कि नहीं, पूरा डिटेल गवर्नमेंट रखने वाली है। अगर दोस्तों इस तरह से चीज़ आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप रह रहे हो, होल्ड करके रह रहे हो दोस्तों, तो आपके खिलाफ़ दोस्तों गवर्नमेंट कड़ा कार्रवाई करने वाली है। तो आप यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल कोई आदमी भी अलीगल तरीके से नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी यूएई गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम लाती है जो ओनली वन होती है या फिर नंबर वन होती है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक कानून है। दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री यूएई है। ये चीज़ देखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट एक कड़ा कदम उठाने वाली है और उठाना स्टार्ट कर दी है। तो आपका भी दोस्तों अगर विजिट वीज़ा यहाँ पे एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, तो मेरा सजेशन है कि 1-2 दिन पहले आप या तो एग्जिट कर लो, या फिर रिन्यूअल अगर कराना चाहते हो तो आप रिन्यूअल करा सकते हो। लेकिन दोस्तों पहले एक कानून आया था और बताया था कि विजिट वीज़ा में आप यहाँ पर हो तो पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको रिन्यूअल होगा। तो दोस्तों अभी ये 7 स्टेट का थोड़ा थोड़ा रूल अलग है, तो आप कोई भी टाइपिंग सेंटर वगैरह में जाकर इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री का ज़्यादातर काम दोस्तों यहाँ पे जगह जगह, जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं उनको पता है कि टाइपिंग सेंटर होता है, वहाँ पर टाइपिंग सेंटर में जाकर आप पता करोगे तो वो लोग डिटेल्स आपको बता देंगे, रूल भी आपको समझा देंगे। तो आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है दोस्तों, या फिर एक्सपायर हो चुका है, तो इमीडिएटली यूएई से आप बाहर हो जाए, नहीं तो आपके ऊपर दोस्तों ह्यूज अमाउंट फाइन आएगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई कोई गलत चीज़ में ना फंसे। हम लोग 2 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग बहुत मुश्किल से अपने बीवी बच्चे भाई बहन को छोड़कर यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ अनजाने में कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए ये सब अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करना, इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।